जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ सोनम मिश्रा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोनम मिश्रा पुलिस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी पुलिस फिजिकल के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको रनिंग से पहले कितना टाइम दिया जाता है वार्म अप के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि एक डिटेल रेडी हो गई है और वो ट्रैक पर रनिंग के लिए उसको स्टैंड कर लिया गया है, लाइनअप कर लिया गया है। और ये जो दूसरा डिटेल है उसे ग्राउंड में लाया गया है और वो सब वार्म अप कर रहे हैं। मतलब जैसे आप रनिंग के लिए आपको लाइनअप किया जाता है, तो जैसे आपको ग्राउंड में इंटर किया जाता है उसके पहले आपको वार्म अप के लिए अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, 10-15 मिनट का टाइम मिल जाता है। एक डिटेल से दूसरी डिटेल के रनिंग में 10 से 15 मिनट का फ़र्क होता है, तो उस बीच पे आपको वार्म अप करने का टाइम मिल जाता है। तो ये जो आपको डाउट है, अगर आपको ये डाउट है कि रनिंग करने से पहले हमें वार्म अप का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्लियर हो जाइए, रनिंग करने से पहले आपको वार्म अप का टाइम मिलेगा ही। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल में आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप सभी प्रकार की जानकारी से अवगत होते रहें। तो ये आप देख सकते हैं कि ग्राउंड में एक डिटेल लाइनअप हो चुकी है और दूसरी डिटेल जो यहाँ पे खड़ी हुई है ये इसका नेक्स्ट नंबर है और ये इस डिटेल के बाद ये रनिंग करेगी। तो अगर डिटेल के बारे में बात करें तो एक डिटेल इंस्ट्रक्टर होता है और उसके साथ साथ एक और हेल्पर होते हैं, जो कि दो लोग रहते हैं, एक डिटेल ऑफिसर जो रहते हैं, तो उनके जो डिटेल ऑफिसर थे अभी आपने देखा कि वो साथ में रहते हैं। और ये जो डिटेल है तो हर डिटेल का एक नंबर होता है, डिटेल नंबर 1, 2 जितनी भी डिटेल आनी है, जनरली 16 या 20 जितनी भी आती हैं डिटेल, तो हर डिटेल का एक नंबर होता है। और ये दो लोग जो आपको दिख रहे हैं ये डिटेल ऑफिसर हैं, ये पूरा इवेंट करवाते हैं जो भी डिटेल होती है उसका। तो ये डिटेल आप देख सकते हैं कि ये लाइनअप हो चुकी है और ये अब रनिंग के लिए रेडी हो चुके हैं, ट्रैक पर ये लाइनअप हो चुके हैं। तो अब यहाँ से आगे जो प्रोसेस होगी, तो सबसे पहले इन्हें ट्रैक पर लाया गया है और अभी आगे आपको दिखाते हैं। मेन हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं वार्म अप के बारे में, तो हम आपको फोकस कर रहे हैं उस पर कि आपको कितना टाइम दिया जाएगा वार्म अप का। तो आप देख सकते हैं जब से ये वीडियो स्टार्ट हुआ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे टाइम भी आपको दिखाया जा रहा है कि एक डिटेल के लाइनअप होने के बाद दूसरी डिटेल को कितना टाइम मिल रहा है वार्म अप के लिए। तो इस टाइमिंग से आपको पता चल जाएगा कि कितना वार्म अप के लिए आपको टाइम मिलने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 2 मिनट हो चुके हैं और इनको वार्म अप का टाइम दिया गया है, लेकिन ये अपने डिटेल ऑफिसर से जो भी इनके डाउट्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं, अभी ये वार्म अप नहीं कर रहे हैं। और दूसरी डिटेल बिल्कुल रनिंग के लिए रेडी हो चुकी है, ट्रैक पे आ चुकी है और यहाँ पे जो भी ऑफिसर रहते हैं वो ब्रीफ करते हैं। और ये देखिए डिटेल रवाना हो गई। तो एक बार पहले इनको जो भी ट्रैक है उसके पास से ऐसे गोल राउंड करवाया जाता है, ये चेक करने के लिए करवाया जाता है कि इनका जो चिप है, जो इनका सेंसर लगाया गया है इनके शोल्डर पे, जो सेंसर लगा हुआ है, मतलब चिप लगी हुई है, वो सेंसर के साथ बिल्कुल मैच कर रही है और वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसलिए ये राउंड लगाया जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सीरियल सबको लाइन से खड़ा कर दिया जाता है, जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सीरियल सबको लाइनअप कर दिया गया है। अब इनकी शुरू होने वाली है रनिंग, तो इनकी रनिंग शुरू होने वाली है। नेक्स्ट डिटेल ये है, तो ये देखिए नेक्स्ट डिटेल अभी भी खड़ी हुई है और इनको वार्म अप का ये टाइम मिला है। हो सकता है ये वार्म अप नहीं करना चाहते, इसीलिए बिल्कुल शांति से खड़े हैं और ये दूसरी डिटेल बिल्कुल रनिंग के लिए रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे जैसे ही इनको रनिंग के लिए बोला जाएगा, यहाँ से ये निकलेंगे और जैसे ही ये क्रॉस करेंगे, अभी उनको डिटेल बताई जा रही है, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि आप इस लाइन को आपको क्रॉस जैसे आप करेंगे वहाँ से आपका टाइमिंग शुरू हो जाएगा और जो भी आपका राउंड है वो यहीं पे फिनिश होगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट दोनों एक ही है। ये सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप वहाँ पे बेझिझक पूछ सकते हैं, वहाँ पे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। जो भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी आपको लग रहा है, तो आप वहाँ पर बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। अभी आप देखिए 4 मिनट हो चुके हैं और दूसरी डिटेल को 4 मिनट का टाइम मिल चुका है वार्म अप के लिए और ये डिटेल भी बिल्कुल रनिंग के लिए रेडी हो चुकी है। अब जैसे ही इनको बोला जाएगा वैसे ही इनकी रनिंग शुरू हो जाएगी। तो 4 मिनट हो गए हैं इनको यहाँ पे आए हुए और जो भी आपको लंजिंग वगैरह करनी है, जो भी वहाँ एक बार आप स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं, कोई भी मना करेगा नहीं। आप अपना जो भी वहाँ पर ट्रैक पर खड़े होने के बाद भी अपना हल्का फुल्का वार्म अप खड़े खड़े वहाँ पर कुछ भी आप कर सकते हैं। ये देखिए
ट्रैक रेडी हो चुका है, डिटेल ऑफिसर भी रेडी हो चुके हैं और सारे ऑफिसर जो वहाँ पे लगे हुए हैं रनिंग पॉइंट पे वो सब रेडी हो चुके हैं और मे भी अब इनकी जल्द से जल्द रनिंग शुरू होने वाली है। तो ये देखिए सर ने बोल दिया है ट्रैक रेडी, मतलब पूरा ट्रैक रेडी हो चुका है और अब इनकी शुरू होगी रनिंग। तो सबसे पहले ऑपरेटर से भी पूछा जाता है कि आप बिल्कुल रेडी हैं, ये देखिए ये शुरू हो चुकी है रनिंग और ये चालू हो गया है टाइमर। अब हम देखेंगे कि ये बंदा जो हमने पहले बंदे से टाइमिंग स्टार्ट की है तो हम देखते हैं कि वो कितने टाइम में ये पूरा बैच निकल पाता है, पहला बंदा कितने टाइम में आता है। बाकी लोग की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है, जो जिस सीरियल में खड़ा होता है वो जैसे ही सेंसर के नीचे से निकलता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी टाइमिंग रहती है। तो ये टाइमिंग आगे पीछे हो भी सकती है, इसमें जो एग्जैक्ट आती है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हमने एक इंसान के क्रॉस करने से लगाया है तो सबकी टाइमिंग इसमें अलग अलग आएगी। ये देखिए रनिंग शुरू हो चुकी है और बच्चों ने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया है और पहला राउंड जो है तो सब अच्छे से दौड़ते हैं, मेन तो होता है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में लोग थकने लगते हैं, लोगों के पैर बढ़ जाते हैं और ये देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फर्स्ट राउंड में ही थकने लगते हैं। तो आप देखिए जो ये पहला बंदा है ये अभी बस अपने फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने लगा है और ये देखिए ये इसने किया 1 मिनट 5 सेकंड में इसने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छी रनिंग की है इस बंदे ने और देखिए इनके स्टेप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, इस बंदे के स्टेप बहुत अच्छे हैं, अच्छी रनिंग कर रहा है ये। तो आप लगातार देख रहे हैं इसको कि कितनी अच्छी रनिंग हो रही है और प्रॉपर आपको टाइमिंग भी दिख रहा है कि कितना टाइमिंग ये इंसान लेगा। तो बस थोड़ी देर में आपको एक क्लियर टाइम पता चल जाएगा कि 800 मीटर की कितनी टाइमिंग ली इस बंदे ने। तो इसमें 1 मिनट 36 सेकंड हो चुके हैं और 1 मिनट 5 सेकंड में इस बंदे ने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो काफ़ी अच्छे इसके स्टेप हैं और काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी। तो ये देखिए ये बंदा बस लगभग आधा ट्रैक इसने कवर कर ही लिया है और बस 200 मीटर और बचे हुए हैं। तो 1:56 हो गए हैं, 57, 58, 59 और 2 मिनट पूरे हुए। 2:02, 2:03, 2:04, 2:05, 2:06, 2:07, 2:08, 2:09, 2:10 मुझे लग रहा 2:15 तक में ये फिनिश कर देगा। तो 2:13, 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:18 में इसने क्रॉस कर दिया। तो पहला बंदा 2:18 पे आ गया है, उसके बाद अब देखते हैं कि दूसरा बंदा कब आता है। तो देखिए कितनी अच्छी लीड दी इसने, कितने ज़्यादा लीड दी, मतलब 100 मीटर की इस बंदे ने लीड दे दी है। और ये दूसरा बंदा आया है अपना 2:33 पे। अब ये तीसरा, चौथा, पांचवा सब आ रहे हैं लाइन से, छठा, सातवां और एक के बाद एक लगातार बच्चे अपना टास्क कंप्लीट करते हुए। और ये देखिए इन दोनों ने साथ में की फिनिशिंग। तो अब चलिए देख लेते हैं कि पूरे बच्चे आ चुके हैं या फिर अभी कोई और बाकी है। तो ये देखिए अभी एक और बच्चा बाकी है, एक नहीं दो बच्चे बाकी हैं, 8 निकल चुके थे और 2 बच्चे बाकी थे। तो इनका अगर टाइमिंग की बात की जाए तो एक की टाइमिंग आ रही है 3:05 और एक की टाइमिंग आ रही है 3:10। तो इन्होंने ये देखा आपने पूरा कंप्लीट हो चुका है एक डिटेल, अब दूसरी डिटेल रनिंग के लिए रेडी हो चुकी है, जिनको कि कितना टाइम मिल चुका है 8 मिनट 27 सेकंड का टाइम मिल चुका है। उसके पहले भी ये इनको लाया गया था, अभी एक बंदा और बाकी था। ये देखिए एक और आ रहा है, ये लास्ट बंदा है और इसने लिया है 3:34 का टाइम लिया है। तो अब दूसरी डिटेल भी रेडी हो चुकी है जो वार्म अप कर रही थी। तो ये आप देखिए ये भी डिटेल आ चुकी है और इनको अच्छा खासा टाइम मिल चुका है वार्म अप के लिए। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि वार्म अप के लिए टाइम मिलता है कि नहीं, तो आशा है कि ये डाउट आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो अब ये दूसरी डिटेल भी लाइनअप हो चुकी है, अब इनको भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा कि क्या रूल है, कहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ फिनिशिंग पॉइंट है, कैसे एक दूसरे को क्रॉस करना है, कैसे ओवरटेक करना है, राइट से करना है, लेफ्ट से करना है। अगर आपका भी कोई डाउट है फिजिकल को लेकर के, रनिंग को लेकर के, गोला फेंक को, लॉन्ग जंप को, किसी भी टाइप का पुलिस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक आपको हर प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसे ही वीडियोस लगातार आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।